दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है HRI न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने जनता के करोड़ों पैसों को बर्बाद कर दिया। लोकसभा दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर। संसद के मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बताते चलें, विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी मामले तथा किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार है कि कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। इसी पूरे मामले के बीच दोस्तों, संसद के मानसून सत्र को स्थगित करने के बाद विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि आखिर वो क्या राज है जो मोदी सरकार छुपा रही है, जो जनता के सामने ना आ जाए, जिससे कि मोदी सरकार की पोल खुल जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने अपने राज छुपाने के लिए जनता की खून पसीने की कमाई, जो कि करोड़ों रुपए में है, उसे डुबो दिया है। जनता की मेहनत की कमाई को मोदी सरकार यूं ही बर्बाद कर रही है और देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाती जा रही है। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर इस समय के सामने निकल के आ रही थी, आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का बहुत बहुत